हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आप लोग जानते ही हो फ्रेंड्स कि मेरी तबीयत अभी कुछ दिनों से ख़राब थी। इंस्टा पर मैंने आप लोगों को बता दिया था फ्रेंड्स कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे इंस्टा पर, उन लोगों को पता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी कुछ दिनों से। तो मुझे हुआ था चिकन पॉक्स फ्रेंड्स, और अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। और मैंने एज इट इज़ अभी कुछ भी एक भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है। एक्चुअली मेरे बहुत सारे पेंडिंग थे दिवाली के लिए, बहुत सारे बनाने थे मुझे वीडियोस, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी आप लोगों से मैं बोल रही हूँ। और मुझे भी बहुत ख़राब लगा कि मैं कहीं भी नहीं जा पाई, क्योंकि जो चिकन पॉक्स होता है उसमें तो कहीं नहीं जाया जाता है, घर पर ही रहते हैं। तो मुझे भी अब टाइम हो गया है कम से कम 4-5, वैसे मुझे बहुत दिनों से तबीयत ख़राब होती जा रही थी, धीरे धीरे होती रही थी। तो कुछ लोगों को तो पता ही है, क्योंकि मैं इंस्टा पर बताती रहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो सब जानते ही हैं कुछ लोग। और मुझे जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, तो आप लोगों को पता चल ही जाया करेगा कि मुझे, अगर मैं वहाँ पर इंस्टा पर एक्टिव रहती हूँ, अगर मेरे वीडियोज़ नहीं आते हैं तो मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग वहाँ पर रहेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, इसलिए मैं इंस्टा का जो लिंक है वो आप लोगों को मैं दे देती हूँ, हमेशा देती हूँ हर वीडियोज़ में। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ती हूँ इंस्टा का, फेसबुक पेज का, तो आप वहाँ पर मुझे चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव रहती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसी लग रही हूँ, थोड़ा तो कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने बीबी क्रीम वगैरह लगाई है उससे थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरा फेस। वैसे बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बहुत ही ड्राई हो गया है फेस, तो उसको अच्छे से ठीक करने के लिए मैंने कल, थोड़ा सा ठीक लग रहा था मुझे, बेटर लग रहा था, तो मैंने एक फेशियल भी शेयर किया, मतलब शेयर नहीं किया था, एक्चुअली मैंने फेशियल किया था, तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि जो मैंने फेशियल किया है वो बहुत ही इंस्टेंटली रिजल्ट दिया है मुझे। और आप लोग फेस पर आप लोग खुद नोटिस कर सकते हो कि ये जो फेशियल किया है मैंने कितना अच्छा होगा, तब जाके इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जैसे ही हम लोग कोई भी किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो उसमें फेस एकदम बुझा बुझा सा, डलनेस हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है फेस पे, आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो नहीं रहता आपके फेस पर, आपकी बॉडी बिल्कुल हाइड्रेट रहती ही नहीं, मतलब बहुत ही ख़राब लगता है उसमें। और जो चिकन पॉक्स है उसमें तो कुछ भी नहीं यूज़ किया जाता है, ना ही मतलब कुछ भी नहीं लगाना होता है, सिर्फ ऐसे ही रहना होता है, ना क्रीम लगानी होती है, ना कोई लिप बाम या फिर कुछ भी लोशन वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई करना होता है। मतलब मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, पता नहीं सभी लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, बट हाँ मेरे यहाँ तो मैंने तो कुछ भी नहीं अप्लाई किया जितने दिन मुझे ये रहा, तो जब तक मुझे चिकन पॉक्स का, मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया है। और मेरी आवाज़ ना थोड़ा सा मुझे वीकनेस सी है ना, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बोल नहीं पा रही हूँ, तो धीरे धीरे बोल रही हूँ आप लोगों से, आप लोगों को बता रही हूँ। और मेरा गला है ना बहुत ज़्यादा सूख रहा है, लेकिन मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है या फिर मेरी तबीयत ख़राब ना भी हो तो भी मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और अभी भी मेरी थोड़ी थोड़ी सी वीकनेस है थोड़ा, लेकिन हाँ अगर मुझे ज़्यादा अगर कुछ हुआ ना, तो मेरे हस्बैंड तो मुझे एक भी वीडियो नहीं बनाने देंगे, बोल रहे थे नहीं अभी नहीं बनाना है, जब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाओगी उसके बाद तुम कोई भी वीडियो अपलोड करोगी, वरना नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है बाद में करूँगी, लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए हैं तो लोग, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ आप लोगों ने मिस किए या नहीं, तो मैं भी जानना चाहती हूँ फ्रेंड्स। अगर मिस किए हैं तो फिर आप लोगों को ज़रूर कल से मिलेंगे आपको मेरे वीडियोस देखने को, आप लोग मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, और मुझे इंस्टा पर फॉलो करिएगा और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं वहाँ में एक्टिव होती हूँ। तो आप लोग अगर मेरे वीडियोस नहीं आते ना, तो मैं वहाँ पर इन्फॉर्म कर देती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इंस्टा पर, तो उनको पता होता है। तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और कुछ व्यूअर तो बहुत ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, देखकर कहाँ भाग जाते हैं पता ही नहीं होता है। तो ये तो मुझे बताइए कि आप लोगों को प्रॉब्लम किस चीज़ से है, क्यों नहीं मैं आप लोग सब्सक्राइब करते हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ये आप लोग मुझसे शेयर कीजिए।
और फ्रेंड्स, और क्या है कि मैंने अभी बताया मैंने या नहीं बताया पता नहीं, आई डोंट नो, बट फिर से बता देती हूँ, अगर आप लोगों को मेरे फेस पे थोड़ा सा ग्लो दिख रहा है ना, थोड़ा सा वीकनेस कम दिख रही है, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा जो मेरा जादुई कमाल है मैंने कल किया था, और मैंने अपने फेस पर, अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी पर बहुत ही अच्छे से, जो मैं पॉलिशिंग, आप लोग जानते हैं कि मैं पॉलिशिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ अपने बॉडी पर और अपने फेस पर, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ मतलब अप्लाई करती रहती हूँ, तो मैंने बॉडी पॉलिशिंग तो की थी और लेकिन फेशियल में मैंने कर लिया था इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। अगर आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे किया है ये वाला फेशियल, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बहुत मतलब ग्लो बिल्कुल चला ही जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने ये वाला फेशियल किया था। और मुझे नहीं पता फ्रेंड्स कि मैंने अभी बोला या नहीं, इसलिए मैं फिर से बता दिया है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं दो दो बार बता रही हूँ, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ। और फ्रेंड्स मुझे थोड़ी सी, जैसे ज़्यादा बोल रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील होता है, तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा रुक कर बोल रही हूँ, तो उसको इग्नोर करिएगा। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ फ्रेंड्स, और मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी ना सारी मुझे रिसीव हो गई हैं, मैंने जो फ्लिपकार्ट से और अमेजोन से और मिंत्रा से जो कपड़े वगैरह मंगा लिए थे क्लॉथिंग हॉल के लिए, तो वो सारे मुझे रिसीव हो गए हैं। और फ्रेंड्स इतने अमेजिंग है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को जब मैं दिखाऊंगी ना तो आप लोग भी कहोगे बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों को जब पता चलेगा, जब देखेंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे या बुरे लगे। तो फ्रेंड्स अब मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और हाँ मुझे आप इंस्टा पर और फेसबुक पेज पर ज़रूर से ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए और मेरे वीडियो का वेट कीजिए। मैं आज हो सकेगा तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा मेरी तबीयत कैसी है, ठीक है अभी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, मैसेज जरूर करिएगा।